हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ये खबर है सियासत की। यस बैंक के घोटाले के बीच प्रियंका गांधी का नाम भी सामने आया था। प्रियंका गांधी का नाम सामने आने की वजह थी एक चिट्ठी। जी हाँ, इसी चिट्ठी को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रही है। प्रियंका का इस चिट्ठी से क्या ताल्लुक है, ये हम आपको दिखाएंगे। ये ताल्लुक इस चिट्ठी का उसी पेंटिंग से है जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने यस बैंक को लेकर सियासत शुरू की थी। देखिए और समझिए कि यस बैंक घोटाले के बीच प्रियंका को क्यों निशाने पर लिया जा रहा है। यस बैंक के मालिक राणा कपूर फिलहाल 11 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं। सीबीआई की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन फिर भी कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। यस बैंक कैसे डूबा, यस बैंक किसने डुबोया और मोदी सरकार क्या कर रही थी, क्या सो रही थी या यस बैंक डुबोने में साझेदारी कर रही थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यस बैंक को संकट से निकालने के प्लान पर काम शुरू कर दिया है। वहीं यस बैंक के मालिक राणा कपूर पर शिकंजा कसकर ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जनता के पैसे से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए अभी बहुत कुछ सामने आएगा। आरबीआई से हमने पूरी जानकारी मांगी है, सीबीआई ईडी अपना काम कर रही है, विदेश जाने पर उनका लुकआउट नोटिस निकल चुका है और इसके अलावा जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। राणा कपूर पर भ्रष्टाचार के इन आरोपों के बीच एक पेंटिंग को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि 2010 में राणा कपूर ने प्रियंका गांधी वाड्रा से 2 करोड़ रुपए में एक पेंटिंग खरीदी। एमएफ हुसैन की बनाई ये पेंटिंग पूर्व पीएम राजीव गांधी को दी गई थी। 4 जून 2010 को प्रियंका गांधी ने राणा कपूर को बाकायदा चिट्ठी लिखकर वो पेंटिंग खरीदने के लिए धन्यवाद दिया। देश की जनता जानना चाहती है ऐसा कौन से पेंटिंग्स उनके प्रियंका जी के पास हैं जिससे करोड़ों रुपए सभी लुटेरों से मिले हैं। जो राजीव गांधी जी का पोर्ट्रेट है, एक पिता से एक पुत्री को आया और एक बेटी ने उसको मार्केट प्राइस के आधार पर जो उस समय इवैल्यूएट किया बेच दिया। सवाल ये है कि राजीव गांधी के उस पोर्ट्रेट को राणा कपूर ने क्यों खरीदा, क्या इसका मकसद तत्कालीन यूपीए सरकार से अच्छे रिश्ते बनाना था। हालांकि ये मामला फिलहाल ईडी की जांच के दायरे में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की हिरासत खत्म होने के बाद सीबीआई राणा कपूर को हिरासत में लेने की मांग करेगी। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।